1973 के आइन की तौसी की गई और सरकारी गजट आइन पर शाही की गई, तो 12 अप्रैल 1973। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, 1973 का आइन डैश पर मुश्तमिल है, किस पर मुश्तमिल है? आपको आंसर आते तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, अदरवाइज यहाँ पर आंसर आ जाता है 280 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है इसके बाद जी, 1973 का आइन डैश पर मुश्तमिल है। देखे दो क्वेश्चन एक ही सेम के हैं लेकिन इनके आंसर मुख्तलिफ हैं, तो इसका आंसर है जी 7 शेड्यूल्स, 7 शेड्यूल्स आंसर नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, 1973 का आइन नाफिज हुआ, इंग्लिश में भी लिखा गया ऊपर और साथ उर्दू में भी आपकी आसानी के लिए लिखा गया है, और इसका आंसर है जी 14 अगस्त 1973। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, 1973 के आइन में किस किस्म का निजाम हुकूमत नाफिज किया गया? तो यहां पर इसका आंसर आ जाता है जी, यहां पर नीचे देखें कोई आंसर नंबर बी जज, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी जज। और 1973 के आइन को तैयार करने के लिए कौमी असेंबली की कमेटी की तादाद क्या थी? तो इसकी तादाद क्या थी, 15, 20, 25 या 30? तो इसका करेक्ट आंसर है जी 25। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जी 7, 1973 के आइन ने पाकिस्तान को डैश करार दिया, तो 1973 के आइन ने पाकिस्तान को जो है इस्लामिक रिपब्लिक्स ऑफ पाकिस्तान में करार दिया गया, और इस्लाम पाकिस्तान का रियासती मजहब है, 1973 के किस आइन में दिया गया? तो इसका जवाब कौन सा है जी, करेक्ट आंसर इसका है जी बी जुज, करेक्ट आंसर है जी बी जुज, आर्टिकल 2 में जो है नाफिज किया गया। रियासत की तारीफ 1973 के आइन के आर्टिकल डैश में दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 7, 7 में दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, कब कौमी असेंबली ने मिस्टर भुट्टो के दौर में आइन का मसवाद मुकरर किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जी, नीचे आप देखें, 17 अप्रैल 1972। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जी 12, और 12 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क का टाइटल सरबराह कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन है जी, प्रेसिडेंट, जवाब नंबर बी चूज। और उसके बाद सवाल आ जाता है, 1973 के आइन के मुताबिक सदर का मुसलमान होना जरूरी है, इसे कौन मुंतखिब करता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है जी, इसका करेक्ट आंसर चारों में से एक होता है, तो यहां पर देखें बोथ ऑफ देम, ये जो है बोथ ऑफ देम है। 1973 के आइन के मुताबिक वजीर आजम का इंतखाब कौन करता है? वजीर आजम का इंतखाब कौन करता है जी, नेशनल असेंबली करती है वजीर आजम का इंतखाब। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, 1973 के आइन में आगरा कोई शख्स अगर कोई शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनना चाहता है तो उसके लिए क्या उम्र मुकरर की गई है? तो उसके लिए जो है क्या उम्र मुकरर की गई है जो पार्लियामेंट का जो है सेनेट रुकन बनना चाहता है? तो नॉट लेस देन 25 ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर है जी एजूज। और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, किस आइन में उर्दू को कौमी जबान तस्लीम किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आप बताएं, 1973, नीचे कमेंट में, लेकिन अदरवाइज आपके पास आंसर आ चुका है।